आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की भौतिक संरचना। यानी भौतिक संरचना का मतलब है उत्तराखंड की जो धरातलीय बनावट है, धरातलीय बनावट, उत्तराखंड की जो धरातलीय बनावट है वो कैसी है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में अधिकांश पहाड़ हैं, उत्तराखंड में अधिकांश क्या है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो यहाँ की जो भूमि है वो अधिकांश कैसी है, पर्वतीय है, पर्वतीय भूमि है, पर्वतीय क्षेत्र है। और जो आपका मैदानी क्षेत्र है वो बहुत कम है, मैदान भी हैं लेकिन बहुत कम है, समतल भूमि आप जिसे बोलेंगे, समतलीय भूमि या मैदानी भूमि। मैदानी भूमि बहुत कम है उत्तराखंड में, केवल दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर, केवल ये दो जनपद हैं जहाँ पर मैदानी भूमि है। बाकी आपके जो 11 जनपद हैं वहाँ पर पर्वत हैं, पर्वतीय भूमि है, पहाड़ हैं। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय भूमि है वो कितना परसेंट है, 86.07%, 86.07% यानी लगभग आप 86% कह सकते हैं, 86% है। और जो 86 है यानी अगर वर्ग किलोमीटर में बोलेंगे तो यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो पर्वतीय है। और अगर हम समतलीय भूमि की बात करें तो उत्तराखंड की जो समतलीय भूमि है, मैदानी भूमि है, केवल दो जनपद आ रहे हैं इसमें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यहाँ पर उत्तराखंड में समतल या मैदानी भूमि केवल 13.93% है, या लगभग आप इसको कह सकते हैं 14% है। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो समतल है, मैदान है उत्तराखंड में। तो 7,448 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कैसा है, मैदानी। और 46,035 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है कैसा है, पर्वतीय है। 46,000, देखो यहाँ पर 46,035 वर्ग किलोमीटर वो क्या है, पर्वतीय है। और यहाँ पर छोटा सा जो एरिया है यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका क्या है, मैदानी है। तो अगर हम टोटल करते हैं कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। ये देखो 46,035 वर्ग किलोमीटर ये हुआ, और 7,448 किलोमीटर आपका मैदानी क्षेत्र है। तो टोटल जो उत्तराखंड का जो एरिया है पर्वतीय और मैदानी दोनों को मिलाकर के कितना हुआ, ये हम ऐड करते हैं अभी जरा, ये कितना हुआ, 384 ये हो गया आपका, यानी 53,483 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है यह है उत्तराखंड का टोटल एरिया। तो उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है कितना हुआ, 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 46,035 वर्ग किलोमीटर है, और जो आपका मैदानी क्षेत्र है वो 7,448 वर्ग किलोमीटर है। टोटल जो एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसमें अगर परसेंट में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र जो परसेंट में 86.07% है, या जिसको लगभग आप 86% कह सकते हैं। और यहाँ पर जो मैदानी भूमि है या समतलीय भूमि है वो आपका कितना है, लगभग 14% है। और इसको हमने ऐड किया, ये 46,035 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर 7,448 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल एरिया जो उत्तराखंड का हुआ 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का एरिया है। और ये उत्तराखंड का जो एरिया है, अगर हम भारत के संदर्भ में बोलें कि उत्तराखंड का जो एरिया है
वो भारत के एरिया का कितना परसेंट है, भारत के एरिया का कितना परसेंट है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का एरिया है और भारत का एरिया कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1.69%। तो यानी जो उत्तराखंड की जो भूमि है, उत्तराखंड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.69%। तो ऐसे परसेंट फाइंड करेंगे, ये प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो भारत के एरिया का कितना परसेंट है, तो उत्तराखंड का जो एरिया है वो भारत के एरिया का 1.69% है। उत्तराखंड का एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर और इसमें पर्वतीय कितना है 46,035 वर्ग किलोमीटर, परसेंट बोले 86%। और जो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है 7,448 किलोमीटर और परसेंट बोलेंगे तो 14%। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। अब जो उत्तराखंड, उत्तराखंड का ग्लोब पर जो विस्तार है, उत्तराखंड का जो ग्लोब पर विस्तार है उसकी बात करते हैं। देखो ये आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। अब ग्लोब पर हम विस्तार की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोब पर आप जानते हैं ये कुछ पड़ी रेखाएं होती ऐसी, है ना, कुछ ऐसी पड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिसको आप खड़ी रेखाएं, ये खड़ी रेखाएं हैं ग्लोब पर, ठीक है। तो जो खड़ी रेखाएं उसको आप जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, और जो पड़ी रेखाएं उसको क्या बोलते हैं आप, अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड का जो विस्तार है ग्लोब पर वो कितना है, 28 डिग्री से इधर को जाएंगे आप, यहाँ से यहाँ, यानी ऊपर से उत्तर की तरफ को जाएंगे, नीचे से ऊपर उत्तर की तरफ को जाएंगे तो 28 डिग्री से 31 डिग्री। यहाँ पर मिनट की बात करें तो मिनट आपका है 43 मिनट और यहाँ पर क्या करेंगे 27 मिनट, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से इधर को जाएंगे पूर्वी देशांतर, देखो यहाँ से इधर को जाएंगे पूरब की तरफ को, ये पूरब है, ये इधर पश्चिम हुआ, ऊपर ये उत्तर है और नीचे क्या है दक्षिण हुआ। तो पूरब देखो यहाँ से इधर को जाएंगे पूर्वी देशांतर रेखा है, तो देशांतर विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार आपका है उत्तराखंड का 77 डिग्री से 81 डिग्री, ऐसे याद करना आपने 77 डिग्री फिर 81 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पर फिर आपका है 34 मिनट और फिर यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर आपका है 2 मिनट। तो यानी पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर जो आपका 28 डिग्री 43 मिनट से और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, इस लाइन के बीच में है, यानी जो उत्तराखंड की स्थिति है इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। अब ये डिफरेंस कितना हुआ 77 से 81, यानी ये कितना है और ये कितना है, इधर को विस्तार कितना है इधर को कितना है, यानी इस साइड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश विस्तार कितना है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर 31 डिग्री 27 मिनट से इसको माइनस करेंगे, 28 डिग्री 43 मिनट को माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा अक्षांश विस्तार आ जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, देखो अक्षांश विस्तार कैसे करेंगे, ये यहाँ पर इसे फैलाव कितना है, विस्तार मीन्स इसके जो उत्तराखंड का जो फैलाव ऐसे में, यानी उत्तरी कितना है, तो आप देखो 28 डिग्री से यहाँ जा रहे हैं तो 31 में इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ 27, यहाँ कितना है 43 है, तो इसमें से ये माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिग्री यहाँ ले जाएंगे, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 27, तो 60 मिनट को 27 में जोड़ेंगे, 60 मिनट और 27 मिनट कितना हुआ 87, तो 87 मिनट में से आप क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, 87 मिनट में से आप इसको 7 में माइनस हुआ 4 और इसमें से माइनस हुआ 4 मिनट। अब यहाँ 31 में से 1 डिग्री उधर चले गया, 31 में से 1 डिग्री चलेगा उस साइड में, तो यहाँ पर कितना रह गया 30, तो 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 डिग्री, यानी आप जो उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश जो विस्तार है वो कितना है 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है,
अक्षांश विस्तार है वो कितना है, अक्षांश विस्तार है, अक्षांश फैलाव यहाँ से यहाँ तक कितना फैलाव है, 2 डिग्री और 44 मिनट का है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ को जाएंगे आप, इधर से यहाँ पर देशांतर विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार आप निकालेंगे, ऐसे ही फाइंड करेंगे देशांतर विस्तार, तो उत्तराखंड का जो देशांतर विस्तार वो कितना है, यहाँ पर 81 डिग्री 2 मिनट है, 81 डिग्री 2 मिनट है, कहाँ से, 77 से, यानी 77 डिग्री से 34 मिनट से यहाँ 81 2 मिनट है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन देखो, 2 में से 34 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ ले जाएंगे, 1 डिग्री आप यहाँ ले जाएंगे, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 को आप इसमें जोड़ेंगे कितना हुआ, 62 में से आप इसको माइनस करेंगे, 12 में से ये माइनस किया 8, और यहाँ पर आपका रह गया 5 2 28 मिनट, यहाँ 81 में से एक उधर 1 डिग्री उधर चले गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 80 में से आप इसको 77 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री, तो यानी जो उत्तराखंड का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, उत्तराखंड का देशांतर विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। ऐसे कैसे फाइंड किया, देखो यहाँ पर 81 डिग्री 2 मिनट से इसको माइनस किया, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप, तो यहाँ से इधर को फैलाव कितना है, यानी 3 डिग्री 28 मिनट, तो ऐसे फाइंड करेंगे देशांतर विस्तार उत्तराखंड का 3 डिग्री 28 मिनट है, प्रश्न बनेगा, ठीक है। और अक्षांश विस्तार उत्तराखंड का कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट, कैसे यहाँ से यहाँ ये फैलाव कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट, तो अक्षांश विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है और देशांतर विस्तार कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट है, 3 डिग्री 28 मिनट है, क्लियर हो गया, ये तो आपका क्लियर है। अब थोड़ा सा अगर आगे बात करते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड को अगर दो भागों में बांट देते हैं, एक आपका जो क्षेत्र है वो कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है और दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है, एक कुमाऊं क्षेत्र और दूसरा आपका है गढ़वाल क्षेत्र, दो भागों में उत्तराखंड को बांट देते हैं, देखो दो भागों में हमने बांट दिया, एक आपका है गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र जिसको आप गढ़वाल मंडल भी बोलते हैं, और दूसरा आपका है कुमाऊं, कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र यानी जिसको कुमाऊं मंडल बोलते हैं, तो गढ़वाल जो क्षेत्र है इसमें कितने जनपद हैं, 7, गढ़वाल क्षेत्र में कितने जनपद, 7, कुमाऊं जनपद में कुमाऊं मंडल या कुमाऊं क्षेत्र में कितने जनपद, 6 जनपद हैं, 6 जनपद है यहाँ पर गढ़वाल में, 7 हैं और कुमाऊं में कितने हैं जनपद हैं, 6 जनपद हैं यहाँ पर गढ़वाल में, 7 और कुमाऊं में 6 जनपद हैं। अब गढ़वाल के जो जनपद है वो कौन कौन से हैं, यहाँ से हम बात करें देहरादून से शुरू करते हैं, देहरादून के पड़ोस में कौन सा है आपका, हरिद्वार है ना, देहरादून के पड़ोस में कौन सा है, टिहरी है, टिहरी के पड़ोस में कौन सा है, उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के पड़ोस में कौन सा है, चमोली, फिर आपका है रुद्रप्रयाग पौड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपके, ठीक है 7 जनपद है। फिर यहाँ पर आ जाओ आप कुमाऊं क्षेत्र में आ जाओ, कुमाऊं मंडल में आ जाओ, तो यहाँ पर आपका है पिथौरागढ़, ठीक है पिथौरागढ़ के बगल में आपका कौन सा है, यहाँ पर पिथौरागढ़ हो गया, फिर आपका इधर चंपावत है, चंपावत हो गया, नीचे क्या है उधम सिंह नगर है, यूएस नगर है, फिर आपका क्या है नैनीताल है, फिर अल्मोड़ा है और आपका बागेश्वर है, आपका क्या है बागेश्वर है, तो ये हो गया आपके 6 जनपद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 जनपद आपके हैं कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं क्षेत्र में, और 7 जनपद आपके हैं गढ़वाल क्षेत्र में, टोटल जो टोटल जनपद हुए 7 प्लस 6 कितना हुआ 13, तो उत्तराखंड में कुल जो है 13 जनपद हैं। अब इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो ऐसा जनपद कौन सा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, उत्तराखंड का ऐसा जनपद कौन सा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उत्तराखंड का जो जनपद है वो है चमोली, चमोली जनपद जो चमोली है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है चमोली, एरिया के हिसाब से, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है वो है चमोली, क्षेत्रफल के हिसाब से इसका जो एरिया है वो 80-30 है, 80-30 वर्ग किलोमीटर, 80-30 वर्ग किलोमीटर यानी 8030 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। और सबसे छोटा जो जनपद है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है चंपावत, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है चंपावत, जो कि कहाँ पड़ता है कुमाऊं मंडल में पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, इसका जो एरिया है 1766, इसका जो एरिया है कितना है 1766 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड में जो सबसे छोटा जनपद है वो आपका है चंपावत है जिसका एरिया है 1766 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनपद कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल का क्षेत्र का भी चमोली है, गढ़वाल क्षेत्र का भी सबसे बड़ा जनपद क्या है, चमोली है। और गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे छोटा जनपद है वो कौन सा है, वो रुद्रप्रयाग है। वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल क्षेत्र का रुद्रप्रयाग। गढ़वाल क्षेत्र का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जनपद है वो रुद्रप्रयाग है। इसका एरिया कितना है, 1984, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और कुमाऊं का जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का या कुमाऊं मंडल का, वो पिथौरागढ़ है। वो आपका कौन सा है, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ का जो एरिया है कितना है, 70-90 वर्ग किलोमीटर, यानी 7090 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ का जो एरिया है वो 7090 वर्ग किलोमीटर। तो यानी जैसे प्रश्न पूछेगा कि चमोली का जो एरिया है कितना है, 80-30 वर्ग किलोमीटर, चंपावत का जो एरिया है वो 1766 वर्ग किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग का एरिया है 1984 वर्ग किलोमीटर, और पिथौरागढ़ का 70-90 यानी 7090 वर्ग किलोमीटर। ये पिथौरागढ़ कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जो है कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चंपावत है। और पूरे उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चमोली है, और गढ़वाल क्षेत्र का भी चमोली है सबसे बड़ा जनपद, और गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका रुद्रप्रयाग है, जिसका क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। बस आज इतना ही, और इसके आगे फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।